वेल मैं एक निरुषा का ही क्रिएशन पहन के आई हूँ. निरुषा चाहती थी कि मैं निरुषा के क्रिएशन में आऊँ. सो द साड़ी, दिस ब्लाउज इज डिज़ाइन बाय निरुषा, द ज्वेलरी ऑफ कोर्स इज माइन. सो इस अवसर पे सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी निरुषा को. ये एक ऐसा एक अटैम्प्ट वो करी है जो मैं एटलीस्ट बहुत बिलीव करती हूँ. आप लोगों ने, मेरे फैंस ने देखा होगा, मैं एटलीस्ट जहाँ पर भी जाती हूँ पर्सनली आई ऑलवेज हैव सम इंडियन एलिमेंट इन व्हाट आई वेयर. अगर मैं वेस्टर्न कपड़े भी पहनती हूँ मेरी ज्वेलरी इंडियन होगी. मैं कुछ ना कुछ फ्यूजन वेयर आई ट्राई इनकॉर्पोरेट दैट, क्योंकि मैं ये मानती हूँ, दिस इज़ माई बिलीफ, कि कोई भी लड़की या कोई भी औरत एक देसी अवतार में जितनी खूबसूरत लग सकती है किसी और अवतार में उतनी खूबसूरत नहीं लगती है. और एक कॉमन नोशन है कि जहाँ पे आप कॉटन के कपड़े या खादी के कपड़े पहनो लोगों को लगता है कि आप बोरिंग हो जाते हो. ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आप इनोवेटिव होते हो, अगर आप यू नो, इफ़ यू टीम इट अप लाइक द ब्लाउज शी इज़ मेड, यू नो, यू कैन बी कंटेम्प्रेरी एंड आई फील यू कैन लुक वे मोर हॉटर देन इन एनी अदर क्लोथ, यू नो. So many congratulations to Nirusha for doing this, and I'm proud to be a part of it.